हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। आज हम यहाँ पे आयस बाबा डेली फ्लिक्स का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। ये आपके अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। हमने यहाँ पे डे 24 तक वीडियोस डाले हैं और ये डे 25 है हमारा। यहाँ पे हम पांच क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एज यूजल। सो क्वेश्चन नंबर वन है, अमराबाद टाइगर रिजर्व के बारे में। इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सो ये तेलंगाना से रिलेटेड है अमराबाद टाइगर रिजर्व। इसके बाद में ये डाउन टू अर्थ में आया था। डाउन टू अर्थ बहुत अच्छी मैगजीन रहती है, आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। उसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द फार्म एक्सिल के बारे में है। दो सेंटेंस दिए, इट इज़ ऑथराइज एजेंसी फॉर द प्रमोशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। इट वॉज सेटअप अंडर द प्रोविजन ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। सो करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, दोनों सेंटेंस करेक्ट है, ऑप्शन सी सही है इसका, बोथ वन एंड टू। फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इंडिया फार्म एक्सील इज़ द ऑथराइज एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द प्रमोशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। इट वॉज सेटअप अंडर द प्रोविजन ऑफ फॉरन ट्रेड पॉलिसी बाई मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन मे 2004। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द लोकोस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन। लोकोस्ट क्या है, ये जो पाकिस्तान से या फिर अरब कंट्री से होते हुए आ रहे थे, ये जो खेती में जो फूड होता है उसको खा लेते हैं, एक कीड़ा होता है लोकोस्ट। सो लोकोस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोला है यहाँ पे, ये करंटली न्यूज़ में था बहुत। एल डब्ल्यू इज़ अमलगमेटेड विद द डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज PPQs ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। और सेकंड सेंटेंस है, लोकोस्ट कंट्रोल एंड रिसर्च स्कीम इज़ इम्प्लीमेंटेड थ्रू द लोकोस्ट वार्निंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है ये। सो दोनों सेंटेंस करेक्ट है। सो इसके बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है, इंडिया हैज़ द लोकोस्ट कंट्रोल रिसर्च स्कीम दैट इज़ बींग इम्प्लीमेंटेड थ्रू द लोकोस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन। एस्टेब्लिश हुआ था 1939 में एंड अमलगमेटेड इन 1946 विद द डायरेक्टरेट ऑफ लैंड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज PPQs ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। अकॉर्डिंग टू द PPQs, द LWO रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मॉनिटर्ड एंड कंट्रोल द लोकोस्ट सिचुएशन इन द स्केड्यूल्ड डिजर्ट एरियाज मेनली इन राजस्थान गुजरात एंड इन पार्टली इन पंजाब एंड हरियाणा। नॉर्थ वेस्ट साइड में जो आता है वहाँ पे अच्छी फसल होती है, उसको ख़राब कर देता है लोकोस्ट। फोर्थ है, बेसल अकॉर्ड्स इज एसोसिएटेड विथ बैंकिंग से रिलेटेड है। बेसल अकॉर्ड आपको पता होगा, बेसल वन टू एंड थर्ड जो होते हैं। बेसल अकॉर्ड आर द थ्री सीरीज ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन सेटअप बाय द बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन विच प्रोवाइड्स रिकमेंडेशन ऑन बैंकिंग रेगुलेशन इन द रिगार्ड्स टू कैपिटल रिस्क, मार्केट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क। टिस्टा रिवर के बारे में पूछा है, टिस्टा रिवर फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। सो ये रिवर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं मैपिंग से रिलेटेड प्रीलिम्स में। सो ये कहाँ से फ्लो होता है, यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन ए सही है, वन एंड टू, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम से होता है, आसाम से नहीं होता है। सो यहाँ पे टिस्टा रिवर इज़ अ 315 किलोमीटर लॉन्ग है, दैट राइजेस इन द ईस्टर्न हिमालयस, फ्लोज थ्रू द इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल सिक्किम थ्रू बांग्लादेश एंटर द बे ऑफ बंगाल। इट फॉर्म्स द बॉर्डर बिटवीन द सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। ये सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल के बीच में बॉर्डर का काम करता है टिस्टा रिवर। सो ये पांच क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए। सो बने रहिए मेरे चैनल पर, ऑब्वियसली चिंगू करके ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।